सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने IPPB ऐप का यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को अपना कस्टमर आईडी पता नहीं रहता है, कुछ लोगों को अपना अकाउंट नंबर भी नहीं पता रहता है। ओके, सो गाइज, इस तरीके से आप यहां पर अपना कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर दोनों पता कर पाओगे। तो चलिए, किस तरीके से आप यहाँ पर अपना IPPB मोबाइल बैंकिंग का कस्टमर आईडी आप पता कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से, चलिए वीडियो में देखते हैं। बट यार, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यार, इसके लिए आप यहां पर IPPB ऐप को ओपन करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं IPPB ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली अपना वेरीफिकेशन करेंगे, है ना। लॉगिन पे क्लिक करके अपना सिम सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट SMS वेरीफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा जैसे ही आपका सिम वेरीफाई होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो बोल रहा है कस्टमर आईडी। अब भाई, कस्टमर आईडी तो पता है नहीं, तो किस तरीके से कस्टमर आईडी अपने फ़ोन से पता कर सकते हो काफ़ी आसानी से, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों, नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू फाइंड आउट योर अकाउंट एंड CIF डिटेल्स। CIF दैट मीन्स कस्टमर आईडी, राइट। सो यहाँ से हम अपना कस्टमर आईडी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके क्रोम में ये IPPB ऐप का जो है पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, गेट अकाउंट एड CIF डिटेल्स। यहाँ पर ये सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा ये इस तरीके से, गेट CIF स्पेस देकर, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैसेज में सेंड कर देना होगा। तो उधर से दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा, उस मैसेज में यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो मतलब कि आप मैसेज करके अपने IPPB ऐप का कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर दोनों पता कर सकते हो। सो ये वाला नंबर आप देख सकते हो, 7738062873। अगर आप इस पेज पर नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यही नंबर पर हमें जाकर मैसेज करना है, तो ये आप देख लो, राइट। तो चलिए, अभी हम यहाँ से बाइक आते हैं। बाइक आने के बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोन में मैसेज को ओपन करेंगे, उसके बाद में आप स्टार्ट मैसेज पे टाइप करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर वही नंबर टाइप कर देंगे, है ना। तो ये मैंने नंबर टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, GET, ओके, एंड CIF, फिर उसके बाद में आपको स्पेस लगाना है, फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, मान के चलिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1999, तो जस्ट इसी तरीके से लिख देंगे, है ना, बस यही करना है। सो चलिए, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालता हूँ एंड मैं इसको सेंड कर देता हूँ। जैसे आप सेंड करेंगे, आपके पास IPPB की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा एंड उसी में आपका कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर रहेगा। तो देख सकते हो, मैं बाइक आया एंड यहाँ पर आ चुका है, मैं इस पर टाइप कर देता हूँ। आप यहां पर देख सकते हो कि ये मेरा अकाउंट नंबर है एंड ये है मेरा कस्टमर आईडी। CIF नंबर मतलब ये कस्टमर आईडी, ओके। फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैंने इसको हाइड कर दिया हूँ, बिकॉज इसे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा आप देख सकते हो, ओके। तो यहां से दोस्तों आपको अपने IPPB बैंक का कस्टमर आईडी पता चल जाएगा एंड अकाउंट नंबर भी पता चल जाएगा। तो आप दोस्तों, आप यहां पर IPPB ऐप को ओपन करेंगे, लॉगिन पेज पर जाकर अपना जो भी कस्टमर आईडी है ये डाल देना वहाँ पर एंड अकाउंट नंबर DOB और नंबर डाल कर लॉगिन कर लेना, राइट। सो गाइज, इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से अपने IPPB ऐप का कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर दोनों पता कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो यार क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।